हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम जा रहे हैं मुनिनगरा डैम, जो कि बेंगलोर से 50 किलोमीटर दूर है, और इसके रास्ते जाने के रास्ते बहुत ही खूबसूरत है। तो रास्ते में हम यहाँ पे रुके हैं लंच के लिए, तो चलो लंच कर लेते हैं। लंच में हमने ली है एक नॉर्थ इंडियन थाली, जो कि बहुत ही यम्मी था। जहाँ हम लंच के लिए उतरे थे उसके पास ही एक टेम्पल जैसा पार्क बना हुआ था, जहाँ पे टेम्पल्स भी थे और वो दिखने में पार्क जैसा भी था। तो हम उसके अंदर चले गए देखने। वहाँ पे काफ़ी सारी टेम्पल्स हैं, श्री कृष्ण जी की टेम्पल, और ये हैं कोई देवी देवता है, और ये हैं हनुमान जी की टेम्पल, ये है गणपति जी की टेम्पल, जो कि बहुत खूबसूरत है। ये जगह ही बहुत खूबसूरत है। फिर हम चल पड़े अपने डेस्टिनेशन के लिए मुनिनगरा डैम की तरफ, और रास्ते बहुत ही छोटे छोटे से हैं। ये एक विलेज जैसा है एक्चुअली, जो डैम के पास है। तो यहाँ पे आपको गाड़ी रोकनी होगी, हमने भी अपनी कार यहाँ पार्क कर ली है, और यहाँ से हम सीधा चलते हैं डैम की तरफ। ये जो आगे आप देख रहे हैं, यहाँ से भी एक रास्ता जाता है। ये जो आगे आप देख रहे हैं, यही है मुनिनगरा डैम। ये इस छोटे से रास्ते से होके हमें जाना पड़ता है, क्योंकि इस बार मानसून में बारिश प्रॉपर नहीं हुई बेंगलोर में, इसलिए ये लेक काफ़ी सूखा हुआ है। अदरवाइज़ ये यहाँ तक पानी भर जाता है जब प्रॉपर बारिश होती है। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे से ये लेक कैसा दिखता है। हम पूरी फैमिली आए हैं इस वन डे ट्रिप पे, मैं, मेरी मॉम, मेरी दीदी, मेरी जीजू, और अभी सामने से उतना खास लग नहीं रहा है क्योंकि एकदम सूखा पड़ा हुआ है लेक तो। बट ये एक बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है, आप यहाँ खाना लेके आ सकते हैं या फिर यहाँ पे भी कुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं अपना डे। बट एक बात हमें अभी पता चली है विलेजर्स से कि इस लेक में क्रोकोडाइल्स हैं, जो कि थोड़ी डेंजरस है, तो लेक के ज़्यादा पास जाना सेफ नहीं रहेगा। तो हमारा तो यही सजेशन है कि आप लेक से थोड़ा सा दूर ही रहें, और जो भी सेलिब्रेट करना है या एंजॉय करना है उसकी थोड़ी दूरी पर ही करें तो बेटर है, सेफ रहेगा। पहले हम नीचे से देख रहे थे तो अब हम ऊपर आ गए। चलिए देखते हैं ऊपर से व्यू कैसा लगता है इस लेक का। ऊपर से भी ये बहुत खूबसूरत लगती है, और चारों तरफ हिल्स हैं तो ये बहुत ही प्रीटी है देखने में। बहुत ही काम स्पेस है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, एकदम दिमाग शांत हो जाता है। आप यहाँ पे आके अपना डे स्पेंड कर सकते हैं। तो आज का हमारा व्लॉग इतना ही था। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।